स्मार्टफोन ने जीवन की राह काफी हद तक आसान बना दी है। ऐसे ढेरों ऐप हैं जिनके बिना अब जीना मुश्किल है। मोबाइल ऐप्स, ग्रोसरी और कपड़े, फैशन एसेसरीज आदि खरीदने, बिजली का बिल भरने से लेकर कैब बुक करने, फ्लाइट, ट्रेन की टिकट बुक करने का काम आसान कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये मोबाइल ऐप्स इस्तेमाल के लिहाज से पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। इस बारे में मोबाइल सिक्योरिटी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म एपनॉक्स ने अपनी ताजा रिपोर्ट में लोगों को आगाह किया है। कंपनी ने देश के 100 बड़े एंड्रॉइड मोबाइल ऐप्स की सुरक्षा के पहलू से उनकी जांच की। इसमें पाया गया कि 75% ऐप्स सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित नहीं है। ये ऐप्स आपके डेटा को पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। कोई साइबर अपराधी चाहे तो आपकी गोपनीय सूचना में सेंध लगा सकता है। एपनॉक्स की रिपोर्ट बताती है कि इन ऐप्स के पास आपसे जुड़ी संवेदनशील सूचनाएं हैं। एपनॉक्स ने सभी 100 ऐप्स को एक मुश्किल ऑटोमेटेड टेस्टिंग प्रक्रिया से गुजारा। इस प्रक्रिया में 14 अलग अलग टेस्ट शामिल थे। इन टेस्ट से ये पता करने में मदद मिली कि ऐप डेटा कैसे स्टोर करते हैं, कितना डेटा शेयर करते हैं, उन डेटा तक कोई बाहरी व्यक्ति या संस्थान कितना एक्सेस कर पाते हैं, इन ऐप्स पर किए जाने वाले पेमेंट्स कितने सुरक्षित हैं। साथ ही उन संभावित खामियों का पता लगाया गया जिनकी वजह से डेटा लीकेज यानी डेटा की चोरी की जा सकती है। इस रिसर्च में पाया गया कि कुछ बड़े ऐप्स सबसे बुनियादी सुरक्षा मानकों पर भी खरे नहीं उतरे। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत ऐप्स के इंस्टॉलेशन और उनके हर महीने इस्तेमाल के हिसाब से दुनिया में पहले नंबर पर है। गूगल प्ले स्टोर पर एंड्रॉइड फोन्स के लिए भारत में इस समय करीब 30 लाख ऐप्स हैं। इसमें से 1.5 लाख से ज्यादा ऐप्स भारतीय हैं। इन भारतीय ऐप्स में मीशो, हॉटस्टार, फ्लिपकार्ट, शॉपसी, फोनपे, ट्रूकॉलर, चिंगारी, पेटीएम, शेयर करो और जोश सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाले ऐप्स हैं। साइबर एक्सपर्ट दिव्या तनवर बताती हैं कि भारत में फ्री के चक्कर में लोग कुछ भी जोखिम लेने को तैयार हो जाते हैं। जब भी लोग ऐप डाउनलोड करते हैं तो नियम और शर्तों को बिना पढ़े ही ओके करते चले जाते हैं। इस दौरान वो ये नहीं देखते कि उन्हें क्या टिक करना चाहिए और क्या नहीं। इस दरमियान लोग ऐप को कुछ ऐसी स्वीकृतियां दे देते हैं जो आगे चलकर उनके लिए घातक साबित हो सकती हैं। इससे बचने के लिए बेहतर है कि अपने फोन में सिर्फ जरूरत भर की ऐप्स ही रखी जाएं। कोई भी ऐप डाउनलोड करते समय मैसेज को तसल्ली से पढ़ें। इसके बाद ही ऐप को एक्सेस की स्वीकृत प्रदान करें। जो भी सूचना काम की न हो उसे डिक्लाइन कर दें। अगर आपके स्मार्टफोन में कोई ऐप संदिग्ध गतिविधियां दिखा रही है, फोन गर्म हो रहा है या बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जा रही है तो सचेत हो जाएं। ऐप लिस्ट जाकर उसे चिन्हित करके डिलीट कर दें। इस मामले में जरा सी लापरवाही भी आपको भारी पड़ सकती है। दरअसल यूजर की लापरवाही का फायदा उठाकर ऐप कंपनियां उनके डेटा को बेच देती हैं। ट्रू कॉलर की रिपोर्ट बताती है कि भारत स्पैम कॉल और मैसेज से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में है। साल 2021 में स्पैम कॉल से प्रभावित शीर्ष देशों की सूची में ये चौथे स्थान पर है। भारत में सभी स्पैम का 93.5% हिस्सा सेल्स या टेलीमार्केटिंग कॉल थी। चौंकाने वाली बात ये है कि इस दरमियान सिर्फ एक ही स्पैमर ने 20.2 करोड़ से अधिक स्पैम कॉल्स की। ट्रू कॉलर की रिपोर्ट की तह में जाने पर पता चला कि एक ही स्पैमर की ओर से रोजाना 6,64,000 कॉल और हर दिन हर घंटे 27,000 कॉल की गई। प्रति यूजर हर महीने स्पैम कॉल की औसत संख्या 16.8 है। इस तरह देश में स्मार्टफोन की दुनिया का दायरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इससे जुड़े जोखिम भी काफी बड़े हैं। ऐसे में एपनॉक्स की रिसर्च स्मार्टफोन और ऐप्स की सुरक्षा के हिसाब से चेताने वाली कॉल है। इनके इस्तेमाल करने के दौरान ज्यादा सचेत रहने की हम सबको जरूरत है।